Here is a question relating to IUPAC name, where more than one options are correct. So let us, structure is given, structure दिया हुआ है और कौन कौन से option हैं इसको हमें देखना है और वो इस प्रकार से है IUPAC names of the following compound is, four options are there. अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि एक बेंजीन रिंग लगी हुई है जिसमें कि दो सब्स्टिट्यूएंट्स, एक तरफ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हमको इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में के अनुसार नंबर करना पड़ेगा. मतलब ये कि क्लोरीन जिससे कार्बन, जिस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है या क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है उसको नंबर वन कहेंगे, और उसके बाद नंबर टू, थ्री, फोर, फोर मिथाइल ग्रुप हो गया, फाइव, सिक्स. तो अब इसका नाम अगर हम बोलें तो इसका नाम क्या होगा, दिस विल बी वन क्लोरो, अल्फाबेटिकल की क्लोरो में सी पहले आता है, एंड देन फोर मिथाइल, एंड ऑफ कोर्स इट इज बेंजीन. सो आवर फर्स्ट ऑप्शन ए is correct in this case. अब अगर हम फिर से इस संरचना पर ध्यान दें तो हम इसको दूसरे प्रकार से भी देख सकते हैं कि इसमें एक पोर्शन है जो इस प्रकार से है, इसका एक हिस्सा जिसको कि हम टॉलीन कहेंगे वो इस प्रकार से है. देखिए C6H5CH3, दिस इज टॉलीन, और इस टॉलीन के लिए जब हम कार्बन के श्रृंखला को नंबर करेंगे, इसमें कि एक क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो हम किस प्रकार से नंबर करेंगे, इस प्रकार से नंबर करेंगे कि टॉलीन का CH3, बेंजीन का जो CH3 जिस कार्बन से लगा है उसको हम नंबर वन कहेंगे, और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा वो होगा जो कि क्लोरो ग्रुप से जुड़ा हुआ है, पांचवा और छठा. तो इस प्रकार से जो दूसरा हिस्सा है क्लोरीन को छोड़ करके, दिस इज टॉलीन, और इस टॉलीन के हिसाब से भी हम इसको नाम दे सकते हैं, और फिर ये होगा फोर क्लोरो टॉलीन, दिस इज अवर करेक्ट आंसर नाउ. सो ये अब हमारा सही आंसर हो गया, और पहला आंसर तो हम पहले ही देख चुके हैं, पहला ऑप्शन सही है IUPAC के सिस्टम से, दूसरा भी सही है, और तीसरा अगर हम चौथा यसी कार्बन देखें तो फोर मिथाइल क्लोरोबेंजीन ये गलत है, इसलिए कि क्लोरीन की कोई पोजीशन बताई नहीं गई क्लोरो की, और फोर मिथाइल तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत है. और वन मिथाइल फोर क्लोरोबेंजीन अगर डी देखा जाए ऑप्शन, तो वो भी गलत है क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है. उसके अनुसार से हमने पहले ही ऑप्शन ए को सही बता दिया है, दैट इट शुड बी वन क्लोरो फोर मिथाइल बेंजीन. तो अब इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इस प्रश्न में मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, जैसा कि बताया गया है ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू, दैट इज ए एंड बी इज करेक्ट, वेयर एज ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर रॉन्ग, एंड देयरफोर द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी.